हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फॉर आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में है भाई साहब, और जिनका सीएससी ब्रांच है उनको पढ़ना पड़ता है थर्ड सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर, तो इसी के आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम्स के लिए आपको नोट्स कैसे बनाना, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। अगर दिल से पूछो तो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मन नहीं था इस बार। मैं चाहता था कि मेरा बच्चा पूरा सिलेबस जाए पढ़कर, अच्छे से पढ़कर जाए, लेकिन अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं, कभी मानकर चलो 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर बैक लगा हुआ है, तो वो बैक पेपर के लिए भी पढ़ रहे हैं और रेगुलर पेपर के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, और कुछ ऐसे बच्चे भी भैया इंतजार कर रहे हैं, सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर आप जब तक नहीं बताओगे तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। मतलब ऐसी वो धमकी वाली मैसेज लोग करते हैं हमें कि सर आप बताओ तब हम पढ़ेंगे, मतलब अगर फेल वेल हो गए तो भैया हम फंस जाएंगे कि अरे आपने सर बताया नहीं था इसलिए हम फेल हो गए। अरे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं है, फॉलोवर नहीं बढ़ाने, मतलब जेन्युइन कभी कभी देखता हूं तो रिप्लाई वगैरह कर देता हूं। चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस में आपके 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 रिव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूनिट नंबर 2 स्टैक्स है, यूनिट नंबर 3 ट्री है, यूनिट नंबर 4 ग्राफ है, और यूनिट नंबर 5 सॉर्टिंग एंड सर्चिंग है। इसमें सर्चिंग छूट गया है, सॉर्टिंग एंड क्या है बेटा? सर्चिंग है। अब एक बात आप समझो, आप जैसे कि सीएससी के स्टूडेंट हो बेटा, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने क्या करा है बेटा, अभी मैंने यहां पर 60 क्वेश्चंस का कलेक्शन करा है ना। तो आप क्या करना, कम से कम एग्जाम के लिए 60 ना सही, आप कम से कम 40 क्वेश्चंस कर लेना बेटा, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से दे पाओ और अच्छे नंबर लेकर आओ, और जो 20 क्वेश्चंस बच जाएंगे ना उनको आप एग्जाम के बाद करना, ठीक है भैया, ये प्रॉमिस करो। इसलिए मैंने पांचों यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, और सच में यार डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इससे पढ़ोगे ना, अच्छे मन से पढ़ोगे, स्ट्रगल करोगे, ऐसी बात नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर एक बार में दिमाग में आएगा नहीं, आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि आपने पूरी दुनिया जीत ली है। सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने डेटा स्ट्रक्चर का ये वाला पोर्शन पढ़ा है, ट्री और ग्राफ, स्ट्रगल था मैं मानता हूं, लेकिन मजा भी था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, और बच्चों का बैक क्यों लगता है मैं इसके बारे में भी आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। जो गलतियां मैं बोल रहा हूं वो करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम, जो भी आप नोट्स बनाओ उससे आप क्या करो, पॉइंट वाइज लिखो, क्या करो, पॉइंट वाइज। बच्चे क्या करते हैं ना, कहानी बनाते हैं एकदम, ये भर दिए, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, आप ये कहानी मत बनाओ, इसी कहानी को क्या करो आप पॉइंट में कन्वर्ट करो, ऐसे एरो दे दे के क्या करो, पॉइंट्स में चीजों को लिखो, है ना। तो सबसे पहली बात, आप कहानी में नहीं लिखेंगे चीजों को, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, भले आप 5 पॉइंट लिखो, थोड़ा कम लिखो, लेकिन पता है पॉइंट वाइज में क्या होता है, अगर कम भी लिखे हो ना तो टीचर को ऐसा लगता है कि ज्यादा लिखा हुआ है, टीचर को ऐसा लगता है कि आपने क्या किया है, ज्यादा लिखा है। लेकिन जब आप कहानी लिखते हो ना तो कितना भी लिख दो लगता है यार ये तो मतलब पैसा कर, मतलब एक एक्सप्रेशन वैसा इंप्रेशन नहीं पड़ पाता टीचर पे, है ना। तो जो नोट्स आप बनाएंगे बेटा वो आप पॉइंट वाइज बनाएंगे, एग्जाम में लिखेंगे भी पॉइंट वाइज, चाहे एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो मानकर चलो कि जो 30% जो आपका पोर्शन है वो होगा एल्गोरिदम पे, किस पे बेटा, एल्गोरिदम पे। कॉमन भाषा में बोला जाए तो मानकर चलो कि ये आपका एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, एल्गोरिदम बोलो या आप इसे क्या बोल दो, प्रोग्रामिंग बोल दो, ठीक है। और आपका क्या 70% क्या रहेगा बेटा, 70% रहेगा थ्योरी। अब महान बच्चे क्या करते हैं, महान बच्चे ये करते हैं
कि भाई साहब प्रोग्रामिंग को छोड़ देते हैं, बोले सर थ्योरी थ्योरी पढ़ के जाएंगे, थ्योरी थ्योरी पढ़कर आएंगे, थ्योरी थ्योरी एग्जाम में लिखेंगे, भाई साहब डेटा स्ट्रक्चर में प्रोग्रामिंग नहीं छोड़ना है, भले आप थ्योरी छोड़ दो, है ना। तो यहां पर कुछ प्रोग्रामिंग्स मैंने बताई हैं कि वो प्रोग्रामिंग आपको करना है, जो एल्गोरिदम आपको पढ़ना है बेटा वो एल्गोरिदम पढ़कर जाना, एल्गोरिदम आपको नहीं छोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी लिख कर आते हैं, थ्योरी में भी कहानी ही कहानी लिख देते हैं, है ना, चीजें वहां पर क्या होती है बेटा, खराब होती है। तो वो काम आपको नहीं करना है। आप 30% जो आपका एल्गोरिदम है, जो भी यूनिट का है, चाहे वो यूनिट नंबर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5, सारे ये पांचों यूनिट का आप एल्गोरिदम करोगे। पहली बात, कोई भी एल्गोरिदम आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा क्या, फिगर का सहारा लो। मैं बता रहा हूं, इन बातों को आप मान लोगे ना, आराम से ए या तो बी प्लस नहीं आया तो आप मुझे बोलना, कहानी नहीं चाहिए यार, प्रोग्रामिंग लिखो ना, डेटा स्ट्रक्चर वाला टीचर भी खुश हो जाएगा। सिर्फ थ्योरी थ्योरी अपन लिख कर आते, कभी कभी क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में बैक लग जा रहा है, तो वो काम आपको नहीं करना, ठीक है। मैं पांचों यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, उसमें पांचों यूनिट्स में बेटा जो भी एल्गोरिदम्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी आप जितना ज्यादा पढ़ के जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, वो आपको ही पता है। लेकिन अपने पास एक अच्छी बात है कि 8 में से क्या करना है, 5 क्वेश्चन ही अपन को करना है, ठीक है बेटा। चले तो नोट्स आप पॉइंट वाइज बनाओ, अच्छा साफ साफ लिखो, ठीक है। दूसरा, प्रोग्रामिंग कंपलसरी है, प्रोग्रामिंग अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कि पूरा छुरी आपका टीचर काट के जीरो दे दे। प्रोग्रामिंग इज कंपलसरी, जो एल्गोरिदम है वो कंपलसरी है, ठीक है बेटा। चलिए तो अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और साथ ही साथ फिगर तो है ही, साथ ही साथ फिगर तो है ही बेटा, है ना। तो अब बाद में ये मत बोलना कि सर आप एग्जाम के लिए बताओ, मैं अभी बता दे रहा हूं कि नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में भी पॉइंट वाइज ही लिखना है, एल्गोरिदम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जितना थ्योरी आप पढ़ के जा सकते हो थ्योरी पढ़कर जाओ, ठीक है बेटा। चलिए यूनिट 1 में मैंने 12 क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, जिसमें कॉमन कॉमन क्वेश्चंस है यार, सी लैंग्वेज क्या है, फीचर ऑफ सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, है ना, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, है ना, एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीटेशन में क्या अंतर है, है ना, ऑपरेशंस इन डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद डिफाइन गार्बेज कलेक्शन, बैक ट्रेडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के, जो आपको 3 दिन में इनका नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, पढ़कर अच्छे से आप 3 दिन में इनका नोट्स बना सकते हो। बस ये 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके अलावा मत करना कुछ, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना। इसको आप अगर नोट करना चाहो तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए बेटा उसके बाद यूनिट नंबर 2, स्टैक एंड क्यू। तो भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज स्टैक ऑपरेशन, ठीक है। यहां पे देखना क्यू का भी होगा, व्हाट इज क्यू एंड इट्स ऑपरेशन, ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ऑपरेशंस बहुत पूछता है कि ये भैया क्यू क्या, स्टैक क्या बता दो, उसके ऑपरेशन बता दो, है ना। तो ऑपरेशन में बाप पता क्या करना है, इसका नोट्स कैसे बनाना, जैसे कि आप सबसे पहले लिखना है स्टैक क्या होता है, हेडिंग दिया यहां पर स्टैक के बारे में लिखा, फिर लाइन छोड़ा, फिर क्या लिखा बेटा ऑपरेशन, क्या लिखा ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन में भी जो पहला ऑपरेशन है उसमें पॉइंट दिया, है ना, उसको डिफाइन किया, फिर दूसरा पॉइंट दिया उसको डिफाइन करा, तो अच्छा नोट्स बनाना कि देखने में अच्छा लगे, है ना, एकदम सुंदर सुंदर रखो ताकि आपको पढ़ने में ही मजा आए। और पॉइंट वाइज जब बनाओगे ना तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है यार, जो थ्योरी है ना वो फिर अपन नहीं पढ़ पाते अच्छे से, है ना। तो पॉइंट वाइज बनाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, पॉइंट वाइज आप लिखो, है ना, अच्छे से नोट्स बनाओ और चीजों को समझो कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, है ना। कहानी लिखोगे तो खुद बाद में नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर देखो कन्वर्ट, ये यहां पर न्यूमेरिकल पूछता है इसका, ये दोनों का यूनिट, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का न्यूमेरिकल पूछता है, है ना। टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बेटा, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इनका आप थ्योरी कर लेना, आराम से हो जाएगा, कितने डेज में, 6 दिनों में, तो 3 और +9 दिन में ये आप आराम से कर सकते हो। पॉइंट वाइज बनाना, फिर से बोल रहा हूं, बहुत मेहनत करा मैंने इसके चक्कर में, ठीक है। और अभी भी देखो मैं 1 दिसंबर का प्रॉमिस पूरा करने के लिए रात के 11 बजे शूट कर रहा हूं, अभी एडिट करके डालूंगा इसको, ठीक है। चलिए फिर आते हैं सबसे बड़ा चैप्टर, वो है ट्री। 8 दिन इसमें आप लो, है ना, और ट्री को अच्छे से पढ़ाओ। जिसने मेरा कोर्स लिया है ना, तो मैंने ट्री चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया, कुछ भी पूछ सकता है भाई, ट्री पूछ देगा, कभी बाइनरी सर्च ट्री पूछ देगा। देखो यहां पर भी क्या, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ
बाइनरी ट्री हो गया आपको, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का क्या है, एल्गोरिदम है, तो ये एल्गोरिदम्स को नहीं छोड़ना है आपको, है ना। उसके बाद देखो क्रिएटिंग बाइनरी सर्च ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवीएल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्री इंसर्शन मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवीएल ट्री का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ट्री का तो कुछ भी मत छोड़ना एकदम, ट्री और ग्राफ कुछ भी नहीं छोड़ना एकदम, उसको आप अच्छे से पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, आराम से इसको लिखो, ठीक है। चलिए यहाँ भी है 7 क्वेश्चन, करिए मैं चाहता तो कम करवा देता पॉइंट वाइज करके, लेकिन ठीक है। बी ट्री, बी प्लस ट्री, है ना, रेड ब्लैक ट्री, और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बी ट्री ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसको कर लो, 8 दिन में हो जाएगा, मत घबराओ, मत घबराओ, आराम से करो, 8 दिन में हो जाएगा। नोट्स बना लो, आगे काम आएगा टॉपिक वाइज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। एल्गोरिथम मत छोड़ना बस, ठीक है। इसको भी क्या करो आप, नोट करो, है ना। चलिए देन आते हैं यूनिट नंबर 4 ग्राफ में, है ना। ग्राफ में देखो बेटा, ये जो छोटे छोटे है ना, इसमें से ये तो आएगा कंपलसरी है। ये जो छोटे छोटी चीजें हैं, वॉक क्या होता है, पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ क्या होता है, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, ये अच्छे से कर लेना। इसका शॉर्ट नोट आता है ना, कभी कभी 14 नंबर में पूछ देता है, इससे ए बी सी करके, ए बी सी डी करके पूछ देता है 14 नंबर में, है ना। वरना 7 नंबर तो यहां से कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा देख लो सारे यहाँ पे प्रिज्म एल्गोरिदम है ना, क्रुशियल एल्गोरिदम है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो ये जो BVI लिखा हुआ है ना भाई साहब, इनको तो मत छोड़ना आप एकदम। ड्राइस्ट्रा एल्गोरिदम यहां से क्वेश्चन आता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से मानकर चलो सिर्फ 50% क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ भी करना यूनिट नंबर 3 और 4 मत छोड़ना, ठीक है। आपका मानकर चलो 4 में इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। अच्छे से कर लेना, बिल्कुल मत घबराओ, है ना। यहाँ तक कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे, है ना। और अगर समय बच जाए आपके पास तो यहाँ पर आप क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम पढ़ लेना, है ना, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, यहाँ पे एल्गोरिदम को आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। बाइनरी सर्च पढ़ लेना, और कहीं एल्गोरिदम दिख रहा है क्या, नहीं है ना। मल्टी वे मर्ज सॉर्ट विद न्यूमेरिकल ये पढ़ लेना, ये 4 पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो इतना आप पढ़ लो, देखो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। कम से कम ये 60 क्वेश्चंस हैं, आप 40 क्वेश्चन कर लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन 3 और 4 और ये 2, ये इसको ये क्या आप इंपॉर्टेंट मानकर चलो, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है ना। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 से थोड़ा कम क्वेश्चन आता, ठीक है। तो आप मानकर चलो कि 3, 4, 2 अच्छे से पढ़ लेना, और 1 और 5 में जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो बस पढ़ लेना, क्योंकि 1 तो बहुत ईजी है, सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये सब चीजें हैं। आप आराम से नोट्स बनाइएगा बेटा, है ना, पॉइंट वाइज नोट्स बना लो बढ़िया बेहतरीन तरीके से। कहानी मत लिखना, एल्गोरिदम करना कंपलसरी है। अगर आप एग्जाम में एल्गोरिदम नहीं करोगे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं करोगे, आपको वो डायरेक्टली फेल कर देगा, तो वो कंपलसरी पार्ट है। तो किसी भी एल्गोरिदम को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद जितना थ्योरी आप पढ़कर जाओ, थ्योरी थ्योरी भरा हुआ है, जितना थ्योरी आप पढ़कर जा सकते हो आप पढ़कर जाओ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये मैंने पॉइंट वाइज नोट देखो मैंने यहां लिख रखा था, साथ ही साथ आपके लिए जिम्मेदारी भी है भाई साहब कि जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जिससे दिक्कत हो रहा है वो प्लीज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स ले लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ डेमो लेक्चर का, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या है ना, मैंने ट्री भी पढ़ा दिया, मैंने ग्राफ भी पढ़ाया हुआ है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का अगर आप कोर्स लेते हो ना, तो ये ट्री वाला पोर्शन, ये ग्राफ वाला पोर्शन तो हो ही जाएगा यार, एक बेसिक नॉलेज तो हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ मैंने एक यूनिट बूलियन अलजेब्रा भी इसमें पढ़ा रखा है, तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे बेटा मैंने इस वाले कोर्स में दे दिया है। साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स आप लोग बता देना कि भैया मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लेके पढ़ लो, क्योंकि पिछले साल क्या देखो कितने टफ क्वेश्चन आए थे, है ना। तो वो वाला काम मत करना, आप आराम से बच्चों को गाइड कर दो। डिप्लोमा के भी क्लासेस चल रहे हैं, बस आप पे जिम्मेदारी है बेटा कि आपको मैं लेकर चल रहा हूं, आप बस अपने छोटे बच्चों को, जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको आप लेकर चलो, बिल्कुल मत घबराओ। मैंने क्या बोला, आप अगर अच्छे से नोट्स बनाते हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बनाते हैं, फिगर अच्छे से बनाते हैं, एल्गोरिदम आप अच्छे से पढ़कर जाते हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और जब आप एल्गोरिदम पढ़ोगे ना, तो आप क्या थोड़ा सा मैच्योर भी होगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा वीडियो आता है, थोड़ा रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिस्क्रीट हो गया, उसके लिए ऊप्स हो गया, इन सब के लिए भी मैं देखूंगा, क्योंकि लिटरली यार मैंने डेटा स्ट्रक्चर के लिए मेहनत करा है,
कम से कम 3 से 4 घंटे मैंने अपने दिए हैं कि नहीं है, इस बच्चों को करना है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो जिनको नोट करना है मैं फिर से एक बार पीछे कर देता हूँ, है ना, तो वीडियो को आप रोक करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट 1 का है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये यूनिट नंबर 2 का है, दिस इज यूनिट नंबर 3 का ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, यूनिट नंबर 4, ठीक है 4 तक कर लो, 5 में देख लेना जो आपको लगता है वही करना, ऐसा नहीं कि 5 करना कंपलसरी, देख लेना जो आपको जरूरी लगे वो आप कर लेना। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।